नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय रेलवे ट्रेन के रिजर्वेशन नियमों में एक बड़ा बदलाव की है, जिसके तहत ट्रेन में रिजर्वेशन का दूसरा चार्ट ट्रेन के स्टेशन छूटने के आधे घंटे पहले जारी किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे ने ऐसा कदम क्यों उठाया है और इससे आम यात्रियों को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे देश में हालात सामान्य हो रहे हैं, रेलवे वैसे वैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ा रही है, लेकिन ट्रेनों में वेटिंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए रेलवे यात्रियों को एक बड़ी सहूलियत देने जा रही है, जिसके तहत रेलवे अभी तक आरक्षण का पहला चार्ट ट्रेन के स्टेशन छूटने के 4 घंटे पहले जारी करता है, जिससे वेटिंग वाले यात्रियों को कोई खास बेनिफिट नहीं मिल पाती थी, क्योंकि इस 4 घंटे के दौरान अगर किसी ने टिकट कैंसिल कराई है तो वो टिकट वेटिंग वालों को नहीं मिल पाती थी, क्योंकि चार्ट बनने के बाद किसने टिकट कैंसिल कराई ये पता कर पाना मुश्किल होता था। यह जानकारी सिर्फ ट्रेन के टीटी के पास रहती थी, क्योंकि उस दौरान सीट पर कोई लोग नहीं आते थे, जिसका यूज ट्रेन के टीटी लोग अपने मनमाने तरीके से किसी और को देकर करते थे। इसीलिए यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन के स्टेशन छूटने के आधे घंटे पहले जारी करने का फैसला लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेटिंग क्लियर हो सके और टीटी लोग इस कैंसल हुए सीट पर अपनी मनमानी न कर सके, क्योंकि वह ऑटोमेटिक किसी और वेटिंग वालों को अलॉट कर दी जाएगी। दोस्तों, साथ ही साथ रेलवे इस खाली सीटों पर ऑनलाइन या फिर टिकट खिड़की से टिकट की बुकिंग बंद करना चाहती है, इसीलिए आधे घंटे पहले दोबारा चार्ट प्रिपेयर करने का आदेश जारी की है। दोस्तों, रेलवे के इस आदेश को लेकर आपकी क्या राय है और इससे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।